हेलो भगवान, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी में सिविलियन कैंडिडेट्स। जो सिविलियन की लास्ट पोस्ट आई थी उसमें बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया था, तो अप्लाई के बाद बच्चों का टेस्ट पास हो गया। अब बच्चों का क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि इससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो आज की मेरी वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ इस टॉपिक पे है कि इससे जो नेक्स्ट होंगे वो कौन कौन से प्रोसेस आपको फेस करने पड़ेंगे और उन प्रोसेस का तरीकाकार क्या है। तो ये वीडियो मेरी जितने भी सिविलियन कैंडिडेट हैं, पावो यूडीसी है, एलडीसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, लैब अटेंडेंट है या पुलिस कंस्टेबल है, जितनी भी पोस्टें हैं सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे पहले रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ऐसी बहुत सी वीडियोज इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करें कि जो बच्चे टेस्ट पास कर गए हैं, इसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। क्या होना है? मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट में आपका कंप्लीट मेडिकल किया जाता है, इनिशियल सिलेक्शन सेंटर पे होगा, और सेकंड जो डिटेल मेडिकल होता है जिसमें ब्लड के टेस्ट, उसके बाद यूरिन के टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके सीएमएच या करीबी जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल होता है वहां पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब जो मेडिकल टेस्टों पे पूरी डिटेल वीडियोज ऑलरेडी मेरी अवेलेबल है, उसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जब ये आप कर लेंगे, इसके बाद जो अगला मरला आपका आएगा वो ट्रेड टेस्ट का आएगा। अब ट्रेड टेस्ट पे जैसे एलडीसी यूडीसी बच्चों ने अप्लाई किया है उनका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, एमटीडी ड्राइवर्स हैं तो उनका टेस्ट होगा ड्राइविंग का, जो भी उस हिसाब से होता है। इसी तरह जो लैब अटेंडेंट होते हैं उनका टेस्ट होते हैं, प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं, ये सारा ट्रेड टेस्ट भी उसको कहा जाता है और प्रोफेशनल टेस्ट भी होते हैं। जब ये आप पास कर जाएंगे उसके बाद फिर आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है, 16 टाइप्स के पर्सनैलिटी के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, तो उसमें से ये देखा जाता है कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है, क्या ये बंदा फोर्स के लिए सूटेबल है कि नहीं है, ये चीज़ें चेक की जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। जब ये आप चीज़ पास कर जाते हैं उसके बाद फिर आपका होता है फाइनल इंटरव्यू। अब यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चों का फाइनल इंटरव्यू नहीं होता। अब वो कौन से बच्चे होते हैं? जो बच्चे 1 से लेके 7 स्केल 8 स्केल तक की पोस्टों पे अप्लाई करते हैं उन बच्चों का इंटरव्यू नहीं होता। और मैक्सिमम पोस्टें ऐसी होती हैं जिनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जैसे एलडीसी का होगा, स्टोरमैन का होगा, यूडीसी का होगा, असिस्टेंट एग्जामिनर का होगा, रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू होगा, और इसके अलावा लैब अटेंडेंट, ये जितनी पोस्टें हैं इनका स्पेसिफिकली इंटरव्यू होगा। अब जैसे लास्कर है, बुक बाइंडर्स है, फोटोग्राफर है, इन बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता, इनकी फाइनल शॉर्टलिस्ट लग मेरिट लिस्ट लगती है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से इन बच्चों को अपॉइंट कर लिया जाता है। तो ये पूरा एक तरीकाकार था, जब आप इंटरव्यू में पास होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, सिलेक्शन सेंटर वाले आपको एक ऑफर लेटर देंगे, वो ऑफर लेटर लेके आपको कराची सिलेक्शन सेंटर या इस्लामाबाद जो भी जहाँ पे आपको ऊपर लिखा होगा वहाँ पे जाके रिपोर्ट करनी होगी, आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद आप जाके अपनी यूनिटों के अंदर रिपोर्ट कर दे। तो ये पूरा एक जो साइकिल था ये सिविलियन कैंडिडेट्स का था। तो इसमें बहुत से बच्चों के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि फ्लॉ टॉपिक के बाद क्या होगा, फ्लॉ प्रोसेस के बाद क्या होगा, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा इस पर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूँ। अब इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें मेडिकल पर वीडियो बनी हुई है, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट पे बन चुकी है, इंटरव्यू पे वीडियोस अवेलेबल हैं। मजीद जैसे जैसे आपके फेज आएंगे, मेरे ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मुझे आप इन्फॉर्म करें कि हमारा नेक्स्ट ये प्रोसेस होने वाला है। उससे पहले इंशाल्लाह आपके लिए मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो लॉन्च कर दूंगा, टेस्ट वाइज ट्रेड वाइज जो भी होंगी उस हिसाब से मैं बताता जाऊँगा, और इंशाल्लाह बच्चों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी वो मैं बताऊंगा कि यूनिफॉर्म पर्सन जितने नेवी के हैं उनका वो किस तरह कन्वर्जेंस कर सकते हैं अदर कैडेट्स में, किस तरह एनओसी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।